डियर पेरेंट्स, आजकल एक सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये रहती है कि जो हमारा बच्चा है वो घर आकर मोबाइल बहुत यूज़ करता है। बच्चे के पास मोबाइल के अलावा दूसरा ऑप्शन तैयार कीजिए। घर में आप जो बड़े जो एक्टिविटीज़ करते हैं वही एक्टिविटीज़ बच्चे जब स्कूल में जाते हैं या बाहर किसी फंक्शन में होते हैं या गेस्ट के सामने वही एक्टिविटीज़ करते हैं। सो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा जब घर पर है और अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है उस बच्चे के ऊपर। आप कोशिश ये कीजिए कि आपको कोई अर्जेंट काम है, अगर कॉल आ रहा है तो बच्चा पास में है तो उसको अवॉइड कीजिए और कहीं दूर जाकर आप फोन पर बात कीजिए। बच्चे के सामने फोन यूज़ कम से कम कीजिए, उस बच्चे को दूसरी एक्टिविटी में इंडल्स कीजिए। तो बच्चे को बिजी रखने के लिए उसको फोन दे देते हैं, तो ये भी एक गलत तरीका है। आप उस बच्चे को ऐसी गेम्स एक्टिविटीज दीजिए कि जिसमें वो बच्चा कुछ सीखे, केवल अपना टाइम पास नहीं करे। बच्चों के साथ घर पर कैसा व्यवहार किया जाए, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाए। डेफिनेटली अगर घर पे आप अगर लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हो तो भी चलेगा, हिंदी या इंग्लिश करते हो तो भी चलेगा। कि अगर आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप ट्राई कीजिए उसके साथ लैंग्वेज यूज़ करने का। अगर उसके स्कूल में सारे बच्चे हिंदी या इंग्लिश बोल रहे हैं तो ट्राई कीजिए उसको भी ऐसा एटमोसफेयर देने की आप कोशिश करें जिसमें बच्चे के साथ आप हिंदी या इंग्लिश बोलें। सेंटेंस में आप वन और टू वर्ड्स यूज़ करते हो इंग्लिश के तो भी बच्चे के लिए वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा आप बच्चों के साथ रेस्पेक्टफुली बात कीजिए, रेस्पेक्टफुली बात करेंगे बच्चे के साथ तो वो भी दूसरों के साथ रेस्पेक्ट से बात करेगा और उसे किसी भी चीज़ को लेकर मना नहीं करे, उसके दूसरे तरीके से समझाए कि ये चीज़ अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो इसको यूज़ मत करो नहीं बोले, इसको यूज एक काम करो ये यूज़ करो, उसको दूसरा ऑप्शन बताओ या दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। और उस बच्चे को आप कहकर संबोधित कीजिए, किसी भी बच्चे को तू कहकर या बार बार उसको टोक कर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे। उसके सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे क्योंकि इसके लिए दुनिया नई है, वो सब जो कुछ वो देख रहा है एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर हिम। तो आप कोशिश करें उस बच्चे के हर सवाल का जवाब दीजिए, वो भी पोलाइटली हंसते हुए, किसी भी समय उस पर सीरियस ना हो। और उस बच्चे को ऐसी जिम्मेदारी का एहसास कराइए जैसे वो बहुत बड़ा बच्चा है। इससे क्या होगा कि वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनेगा और ऐसे ट्रीट करेगा आपके साथ भी कि जैसे उसको वो चीज़ें मालूम हैं। बदमाश बच्चा क्लास में हम मॉनिटर बनाते हैं उसको ताकि वो जो है रिस्पॉन्सिबल बन जाता है और वो बदमाशी छोड़ देता है। घर में जब बच्चा छोटा होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन उसको आप घर का जिम्मेदार काम दे दीजिए तो वो जिम्मेदार बन जाएगा। उसी तरीके से छोटे बच्चे के साथ आप रेस्पेक्टफुली बात कीजिए, लैंग्वेज आप कोई भी यूज़ करें लेकिन अच्छी चीज़ें सिखाइए उस बच्चे को, जितना हो सके आप स्पिरिचुअल चीज़ें बताइए। अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो बच्चे को साथ बैठाइए, अगर आप घर में जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसमें उस बच्चे को इंडल्ज कीजिए। घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो उस बच्चे को दूर रखिए, उस बच्चे के सामने ये सब एक्टिविटीज़ नहीं करें। ये सभी आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट हैं। थैंक यू सो मच।